अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं, बिलाखिर वो जिस दिन का इंतज़ार था 13 दिसंबर के जलसे पे, पाकिस्तान के सारे अवाम की नज़रें थी और 13 दिसंबर का जलसा हो गया। उसके बाद बहुत से पहलू हैं जो रिवायती बयानात होते हैं हुकूमत की जानिब से, लोग कम थे और अपोजिशन की जानिब से कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला, ये सारी बातें होती रही हैं। निज़ामी साहब जो तकरीर हुई उसके सब्सटेंस पे तो प्रोग्राम में आगे जा के बात करेंगे, लेकिन ये जलसा फिर ये कोविड के दौरानिए में जलसा, इस सारे जलसे में खबरियत क्या है? बाकी तो सब रिवायती बातें हैं, लोग कम ज़्यादा ये सब। फौरी तौर पर तो ही खबरियत थी, ना तो इस्तीफों का ऐलान हुआ जो बाज़ हल्के कह रहे थे, लेकिन मालूम था कि वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन खबरियत यह है कि अपोजिशन का इतिहाद जो है एक हकीकत बनकर उभर आया, और ये पहले बड़ा मुश्किल था कि बहुत हर किस्म के लोग जो माजी में एक दूसरे के दस्तगुरबा रहे हैं इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे, कल मैं देख रहा था इनको वहाँ, तो बताइए मुसद्दिक मलिक साहब ये आपका जलसा इतना नाकाम क्यों रहा? ये आपने देखें कहा कि गैर रिवायती बात करेंगे, फिर कैसा रवायती आपने फिक्रे से इसकी इब्तदा कर दी। आप जरा मुझे नाकामी के पैरामीटर्स बता दें तो फिर मैं एक एक करके उनको टिक मार्क करता जाता हूँ कि जी ये वजूहात थी। कुछ सवाल पूछेंगे, एक तो उनका जवाब दे। एक तो सुना के 200-300 लोग थे या 1000-1200 लोग थे, हॉल खाली पड़ा था, भूख का आलम था जी, और ये बात तो लोग उठ के जाना शुरू हो गए जलसे में से, और ये सर्दी भी बड़ी जलसा शुरू, ये सर्दी तो बहुत सख्त थी, लेकिन आपने वो तस्वीर तो मेरे ख्याल में गालिबन आप चला ही रहे हैं जिससे वो 200-300 लोग जो हैं वो हर जानेब आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा था कि मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह का मामला चलेगा। मीडिया से मुतल्लिक हर शख्स नहीं है, मीडिया से मुतल्लिक वो अशखास हैं जो बोझ जो उन पर पड़ता है नहीं उठा सकते, मजबूर हो जाते हैं, अपनी उनके चैनल बंद हो जाते हैं, उनके लोगों की नौकरियां जाती हैं। जब हम जा रहे थे जलसागाह की तरफ तो उस दौरानिए में हमें बहुत से टेलीफोन आए जिसमें हमें कहा गया कि अभी जलसा शुरू नहीं हुआ था, ये मैं आपको बता दूं, अभी दरमियान में लंच होना था, हम घर निकले थे जाती उमरा से और जा रहे थे जफरली रोड की तरफ, तो हमें पता चला कि बहुत से टेलीफोन आए हैं कि हम ये बोझ नहीं उठा सकेंगे, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप ये टेलीविजन पर कहें कि ये जलसा नाकाम हो गया। तो उसकी जो तस्वीर हैं वो आपके सामने, ये तस्वीर जो आप इस वक्त चला रहे हैं वो बड़ी वाज़े शक्ल में आपको वो वक्त बताती हैं जब जलसा ख़त्म हो रहा था या ख़त्म हो गया था, या कुछ तस्वीर जो पहले चलाई एक दो मीडिया चैनल्स ने वो थी जब जलसे में अभी लोग आ रहे थे और जलसा पुर नहीं हुआ था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये दरमियानी तस्वीर जो शुरू में आपने चलाई हैं कि पूरे जलसा गाँव में जितनी भी जगह थी, अगर वो हमारे वो मौलाना जब उनका इंतकाल हुआ अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और रिजवी साहब को और उनकी जनाजा के लिए जब ग्राउंड पुर हो गई तो लोगों ने कहा कि लाखों का मजमा था, और हमने भी कहा लाखों का मजमा था। जब यही ग्राउंड फुल हो गई जब इमरान खान साहब ने जलसा किया तो लोगों ने कहा लाखों का जलसा, उसने तो करोड़ों का भी जिक्र किया लेकिन लाखों करोड़ों का जलसा था, तो हमने भी कहा हाँ भाई अच्छा भला जलसा कर लिया। मगर जब पी डी एम ने और पी एम एल एन ने वही जलसा गाह भर दिया तो कहा गया कि भाई ये तो कुछ नाकाम नाकाम सा लग रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो दरमियानी तस्वीर जो आपने दिखाई है जिसमें एक समंदर है लोगों का, जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाएं और अगर आप फोकस करवाएं वो जो भी लोग जिन्होंने क्लिप बनवाए हैं, अगर आप उनको पुल के ऊपर फोकस करवाएं तो पुल के ऊपर भी लोग भरे हुए हैं, तो ये फिर कैसे ये नाकाम हो गया? मेरे ख्याल में ये जिस तरीक़ाकार से इसको नाकाम कहा जा रहा है या नाकाम साबित करने की कोशिश की जा रही है वो मैंने आपको बता दिया, वो हम पे रास्ते में ही आया हो गया था। अच्छा ये बताइए कि ये कामयाबी या नाकामी की ये आपका एक पूरा राउंड हो गया जलसों का, माँ हासिल किया क्या, क्या हासिल किया, क्या आर हुआ या क्या पार हुआ, कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हुए,
क्योंकि एक तो मौलाना ने कहा था कि जी बस चार हफ्तों के मेहमान है ये हुकूमत, हुकूमत तो बैठी हुई और टस से मस्ती हो रही, और भी आपकी कोई बात नहीं मानी गई। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं NRI नहीं दूंगा जितना जोर लगा लें, तो फिर क्या क्या हासिल किया आपने? देखिए निजामी साहब, हमने तो एक ही बात पेश की है, हमारी आपने कहा कोई बात नहीं मानी, हमारी तो एक ही बात है, और हमारी बात यह है कि हुकूमत मुस्तफ़ी हो, क्योंकि ये हुकूमत जमहूरी तरीका कार से नहीं आई, और हमारी ये ख्वाहिश है कि नए इलेक्शन करवाए जाएं, और उन नए इलेक्शनों में एक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत लाई जाए, जो एजेंडा जो है IMF का लेकर आगे ना चले, जो एजेंडा गरीब आदमी का लेकर चले। तो पहली बात तो यह है कि हमारा एक ही मुतालबा है, मगर बात आपकी ठीक है कि वो मुतालबा अभी तक कबूल नहीं हुआ, इसी वजह से ये जलसे हो चल रहे हैं, इसी वजह से लॉन्ग मार्च होगी, इसी वजह से इस्तीफे दिए जाएंगे। तो ये तमाम जो आपके सामने जो चीज़ें आई हैं अभी तक, वो ये कड़ियाँ हैं एक पूरी जंजीर की जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। जी जी। दूसरी जो अहम चीज़ है कि इससे हमने हासिल क्या किया, तो वो बे आवाज़ लोग जिनके घर लुट गए, मैं अभी इसकी मोबिलाइजेशन के लिए लाहौर की गलियों में गया, आप यकीन मानिए आप जिस जगह जाके कुछ 10-15-20-50-100 लोगों से बात करें, वहाँ पे कोई ना कोई औरत रोना शुरू कर देती है, तो उस औरत के दुख का मुदावा कौन करेगा, उस औरत की आवाज़ किसको बनना है? भाई जो वोट लेकर आया है उसी को बनना है ना। और आइन भी कहता है कि आप पार्लियामान में आवाज़ उठाएं, जो हमने उठाई और जो हमारा हशर किया गया, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन हो, चाहे वो FATF के बिल हो, वो आपके सामने है। दूसरा तरीका या आकार होता है कि हुकूमत लीडरशिप दिखाए और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और लोगों को बिठाए और कहे कि हाँ मईशत के हवाले से ये हमारे मसाइल हैं, आप सब बैठें। वो भी नहीं हुआ। जब रास्ते दोनों मसदूद हो गए जो आइन ने हमें दिए हुए, एक पार्लियामान का और एक सियासी जमातों के इकट का, तो तीसरा रास्ता सड़क का है जो आइन ने तजवीज़ किया है। तो वो सड़क का रास्ते में हमने उन बेवाओं, उन बूढ़ी औरतों, वो सरकारी अफसरान जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, उन सब का मुकदमा आज सबके सामने रखा है, और उसके नतीजे में आज इस प्रोग्राम में वो मुकदमा मैं अवाम के सामने रख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जी, ये फ़र्ज़ है हमारा। कामयाबी तो खैर क्या होगी, कामयाबी तो उस वक्त होगी जब दुख दर्द का मुदावा होगा। तो बात यह है कि फिर सारे पाकिस्तान के लोग बात तो एक ही कर रहे हैं, और वही कर रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। आपने भी वही बात की कि अगर कोई ऐसी गैर आइनी इंटरफेरेंस है तो उससे किसी को भी फ़ायदा हो, हमें फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो, किसी और जमात को फ़ायदा हो, वो गैर आइनी है और उसे ख़त्म होना चाहिए। और आने वाले वक्त में अगर हम चाहते हैं कि जमहूरियत आगे बढ़े इस मुल्क में, तो फिर हमें चाहिए कि कोई नया तरीका कार सोचें जिसमें जो कुछ आइन में लिखा हुआ है उन हदूद के मुताबिक सब लोग आगे बढ़ें, इकट्ठे बढ़ें। और मैं समझता हूं कि ये नवाज शरीफ साहब तो एक आवाज़ उठा रहे थे, उनकी हर एक आवाज़ के पीछे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे गुजरा ने, 4 या 5 गुजरा ने और तारीखी हवाले दिए, उनसे उन्हीं का मुकदमा जो है वो मजबूत करते चलते आ रहे हैं। तो मैं तो ये समझूंगा कि ये PTI वाले ये इतने दीवाने दोस्त हैं, मैं वो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। माजी तो एक खुली किताब है ना, उसको तो देख सकते हैं, लेकिन ये नई शुरुआत से पहले जब आप पिछला सफ़ा फाड़ रहे हैं तो क्या ही खूब हो कि उसकी एक माजरत भी हो, उसकी कौम से मुआफ़ी भी हो, नई शुरुआत करते हैं। आपने फिर आधी बात सुनी अबासी साहब जी, क्योंकि पूरी बात तो ये है कि उन्होंने कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, एक ग्रैंड डायलॉग शुरू किया जाए और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का एक पूरा एक बाकायदा कायदे के साथ तमाम चीज़ें सामने लाई जाए। उन्होंने आज तक नहीं कहा कि हमारे अदवार में जो चीज़ें हुई हैं वो सामने ना लाई जाए, लेकिन एक फोरम होना चाहिए जिसके अंदर ही यानी सिर्फ ले दे ना हो, सिर्फ शाम का थिएटर ना हो, सिर्फ दोपहर की तकरीर ना हो, एक हुकूमत हमारे मुआशरे के लिए एक हीलिंग प्रोसेस शुरू हो। उस हीलिंग प्रोसेस को शुरू करने के लिए, जैसा आपने देखा साउथ अफ्रीका के अंदर भी हुआ कि हज़ारों साल की गुलामी के बाद और तफरीक के बाद और जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसके बाद एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का एक कमीशन बना, और उस कमीशन के अंदर हर चीज़ सामने आई, जो जो अफ्रीकन जो थे वहाँ पे ब्लैक अफ्रीकन्स थे उनके ऊपर जो मुजालिम हुए वो भी सामने आए, जो उन्होंने जुल्म किए वो भी सामने लाए गए, जो सदियों से वहाँ एक तरह से गुलामी में रखा गया ब्लैक अफ्रीकन्स को, उसको वहाँ पे वाइट अफ्रीकानर्स ने, वो भी तमाम मजालिम सामने लाए गए और हर एक पे बात की गई और उनको एक्सेप्ट किया गया। लोग रोए वहाँ पे बैठ के, लोगों ने अपने जुल्म सामने रखे, मुकदमा सामने रखा। तो इसलिए भी ख्वाहिश यही है
कि अगर हमें वाकई कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी और हमें वाकई हीलिंग का प्रोसेस, अपनी एक मुआशरे की हीलिंग का प्रोसेस शुरू करना है, तो हर चीज़ जो पाकिस्तान में गलत हुई है उसको सामने लाया जाए, और यही बात की जा रही है। उसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि हमारे अदवार का जिक्र आप मत करें। जी अच्छा मसद मलिक साहब, ये बताइए कि शेख रशीद ने अपनी वजारत दाखिला का जो आगाज है, मियां नवाज शरीफ को ये तंबीह दी है कि अब बहुत हो गई, अब मजीद नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो एक तो बात यह कि शेख रशीद क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है जुड़ा हुआ कि को मुजाकरात की भी बातें हो रही हैं, शेख रशीद साहब ने भी कहा है, फवाद चौधरी ने भी कहा, और भी इधर उधर से बात आ रही है कि हम मुजाकरात करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ा सख्त पैगाम दिया अपोजिशन को, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं यही समझूंगा अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है, किस तरह कर रही है मालूम नहीं, कि मैं NRO दूँ और NRO मैं देने का नहीं हूँ, तो ये मुज़ाकरात के बारे में कोई जी जी निज़ामी साहब इस सवाल का जवाब एक ब्रेक के बाद लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, इन द मीन वाइल डेवलपमेंट हुई कि 31 दिसंबर तक PDM के जो अरकान कौमी असम्बली हैं अपनी जमात की लीडरशिप जो है निज़ामी साहब उनके पास इस्तीफे पेश कर देंगे, और आज बाज़ाब्ता तौर पे 31 जनवरी 2021 तक हुकूमत को PDM ने मुस्ताफ़ी होने का अल्टीमेटम दे दिया है। सो निज़ामी साहब लॉन्ग मार्च अभी भी, उसके बाद 1 फरवरी को इजलास होगा, फिर उसमें फ़ैसला होगा, अभी तक खैर ये कोई कंक्रीट इसका मतलब यह है। मैं मुसद्दिक़ मलिक साहब से ही पूछता हूँ कि आपको ये उम्मीद तो नहीं है कि 31 दिसंबर को हुकूमत फारिग होकर घर चली जाएगी, इसीलिए अब आइंदा का जो प्लान बी है वो आपने आगे ही दे दिया, या ये हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर? देखिए आपके सवाल ही में आपका जवाब है कि अगर वो 31 तक नहीं देते इस्तीफ़ा, क्योंकि उनको ऊपर तो वो कोई लिजिटिमेट गवर्नमेंट तो है नहीं, इस वजह से उनको लिजिटिमेसी का तो ख्याल नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं कि खान साहब ने क्योंकि कहा था कि मेरे खिलाफ अगर इतने 100 लोग सड़क के ऊपर आ जाए मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, खान साहब तो अपने मिजाज के आदमी, तो अगर वो नहीं देंगे तो फिर आपके दूसरे सवाल का जवाब तो उसी में कि फिर तो बता दिया गया है कि लॉन्ग मार्च होगी, और ये भी कह दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ओहदेदारान हैं, जो PDM की जो क्यादत है, जो जिस सूबे से उसका ताल्लुक है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बाय एडवाइस इस लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए जो भी इंतजाम करने हैं, जो भी मोबिलाइजेशन करनी है वो होगी। तो ये तो जवाब दे दिए गए हैं, तो अब इसमें क्या इबहाम रह गया कि लॉन्ग मार्च का नहीं कहा गया? कहा गया है कि अगर आप फला फला तारीख तक। जी साहब अब बीच में इंटरप्शन हो गई कि ये को मुज़ाकरात की बात भी चल रही है बैक चैनल पे, कोई है ऐसा मामला? देखिए अभी तक तो आप जिस बैक चैनल की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अगर वज़ीर आज़म, अगर कोई इम्कान भी हो, एक तो ये है कि बिल्कुल हतमी तौर पे ये कह दिया गया है कि कोई इम्कान नहीं है, मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि मुज़ाकरात नहीं, सियासी जो अखाड़ा है उसे तो मजाक रात बना दिया है इस हुकूमत ने। लेकिन आप साथ के साथ देखें, रोज वजीर आजम साहब आके कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, बात करूंगा NRO नहीं दूंगा। आप ऐसा कीजिए निज़ामी साहब, आप खान साहब को बहुत अरसे से जानते हैं और माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा आपका तजुर्बा है, सियासी बसीरत है आपकी, और एज अ जर्नलिस्ट, अहले कलम, अहले दानिश, अहले खिर्द आपका तजुर्बा है। आप मुझे बताइए कि क्या आप हलफ दे सकते हैं कि जैसे ही कहीं गुफ्तगू के लिए कोई बैठेगा, बाहर 5-6 वजीर जो हैं वो बावले होके NRO के नारे नहीं लगाना शुरू कर देंगे? तो ये हुकूमत बुनियादी तौर पे वो तमाम एतमाद जो होता है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए जरूरी होता है, वो खो चुकी है। और खान साहब तो खुद कहते हैं, आपको याद होगा खान साहब ने कहा था कि हिटलर एक बहुत बड़ा लीडर होता अगर उसने यूटर्न लेना सीख लिया होता। जी तो खान साहब क्योंकि उसी रविश पे चल रहे हैं, अभी तक उनका रवैया भी आमराना है, एक फैशिस्ट रवैया है उनका, ऑपोजिशन की तरफ भी और हुकूमत साजी की तरफ भी और आइन साजी की तरफ भी,
तो वो उस रवैये के तहत चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हिटलर को यू टर्न नहीं लेना आता था। खान साहब समझते हैं कि यू टर्न लेना एक अच्छी बात है, आज कहेंगे एनआरओ, कल नारे मारने शुरू कर देंगे, तीन चार वजीर खड़े कर देंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि अब मुज़ाकरात का कोई स्पेस नहीं रहेगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है और एतमाद हम एक दूसरे पे इतना खो चुके हैं कि अब हम किसी से क्या गुफ्तगू करें। जैसे ही गुफ्तगू करेंगे कुछ ना कुछ गलत निकल आएगा। ये पहले तीन चार मरतबा हुकूमत कर चुकी है। फैटफ के बिल के दरमियान में हुकूमत ने किया कि पहले बुलाया बात करने को, फिर बाहर नारा एनआरओ एनआरओ का लगा दिया। ठीक डॉक्टर साहब, एक और अहम मामला है। हम तकरीर के सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब ने जो कल तकरीर की है मीनार पाकिस्तान के साए में, और जिस तरह उन्होंने लाहौरियों और पंजाबियों के बारे में गुफ्तगू की, क्या कोई पीडीएम की जो क़यादत है, कोई आप लोगों ने अपनी रेड लाइन नहीं ड्रा की हुई कि हम इन सब्जेक्ट्स को नहीं छेड़ेंगे या यहाँ से आगे नहीं जाएंगे? और इस तकरीर से मुतालिक नून लीग का मौकफ़ क्या है? देखिए, बात यह है कि अगर आप आईन पढ़ें तो सबसे पहले आपको इजहार राय का हक दिया गया है, और आपको इजहार राय का हक बुनियादी हक के तौर पे दिया गया है। और आज भी जो मैंने आपके सामने गुफ्तगू रखी है उसमें मैंने जिक्र किया है और बाकायदा हवाला दिया है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कमीशन का जो बना था साउथ अफ्रीका में जी। तो आपको वो तमाम चीज़ें जो तारीखी तौर पे हुई हैं, गलत हुई हैं या सही हुई हैं, अगर किसी का इबहाम है, किसी का शक है, किसी को गलत इंफॉर्मेशन है या किसी के पास कोई सब्सटेंटिव चीज़ है, तो वो आपको तमाम तारीखी मामलात भी और मौजूदा दौर के भी मामलात आपको सामने लाने पड़ेंगे और जी हमें जी। बैठ के उस पर गुफ्तगू करनी होगी। ठीक है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मौजूद थे, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है सूबाई वजीर ब्राय सेहत हुकूमत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। निज़ामी साहब, डॉक्टर साहिबा ने तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, टॉक शोज़ में भी कहती रही कोरोना है, इकट्ठ नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल आखिर ये इकट्ठ हुआ। लेकिन अब ये जो 31 जनवरी तक की डेडलाइन है, और अगर वाकई लॉन्ग मार्च होता है निज़ामी साहब, तो जो मकासद हैं पीडीएम के वो हासिल हो जाएंगे, या ये 31 जनवरी की इतनी लंबी डेडलाइन देने का मकसद ही यही है कि इन बिटवीन कोई रास्ता, कोई मामलात तय हो जाएं? निज़ामी साहब, ये बहुत कुछ हो रहा है, मैं अर्ज करूँगा, लेकिन ये कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए भी है और शायद कोई बात आगे बढ़े ताकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुले, क्योंकि इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता कि आप जलसे करते रहें, जुलूस करते रहें और मुल्क की इक़्तिसादी हालत पतली हो। लेकिन जो मोहतरमा से मेरा सवाल है वो ये है कि आपने कहा कि ये लोग क्वारंटीन करें 14 रोज़ के लिए, जिन लोगों ने ये खिलाफ वर्जी की कल कोविड के हवाले से, तो ये इसको अमली तौर पर कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? वो लोग जो आपकी बात को रद्द करके जोग दर जोग जलसों में शरीक हो रहे हैं, शादियों पर जा रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो आपकी बात कहाँ मानेंगे? जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी जी। निज़ामी साहब, बहुत मेहरबानी ये बात पूछने की। देखिए, अहम चीज़ ये है, मेरा फ़र्ज़ बनता है बतौर वज़ीर सेहत के मैं लोगों को कम से कम एहतियात और हिफाजत तो ज़रूर बताऊँ ना। ये ना हो कि कल वो हमसे ये शिकायत करें कि हम ये भी बात नहीं कर रहे आपसे। आपको पता है, आपके सामने जिस तरह आपने फरमाया है कि मैं कितने अरसे से इनके पीछे पड़ी हुई थी कि मत करिए, वजह यह है कि वबा फैल रही है और लाहौर आपको पता है हमारा पहले दिन से एपी सेंटर रहा है। आज का नहीं, जिस दिन से ये वबा आई है लाहौर वॉज एन एपी सेंटर। इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ता गया, अभी पिछले दिनों बड़ी मुश्किलों से इन्फेक्टिविटी रेट को कुछ थोड़ा कम किया। अब मकसद ये है कि दो बहुत अहम फैक्टर्स थे। एक तो सबसे बड़ी बात थी, कल बड़ी शदीद सर्दी थी। अच्छा, सर्दी के अंदर कुव्वत मदाफियत लोगों की वैसे ही कम हो जाती है, और फिर सबसे बड़ी बात है जब इस तरह का कट हो तो वबा का फैलना जो है वो आपको पता है, आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ कि कितनी जल्दी फैलेगी जब लोग इकट्ठे हो जाएं और ऐसी जगह पे इकट्ठे हो जाएं तो वबा फैलेगी। आपको पता है कि पहले भी हमारी जो लाहौर में और बाकी पंजाब के अंदर तादाद बढ़ी, इन्हीं इकट्ठों की वजह से बढ़ रही है और हम बिल्कुल हिफाजती तदाबीरें इख्तियार नहीं कर रहे।
लोगों से ज़बरदस्ती वाली बात आपके सामने है, कुछ एरियाज हमने लॉकडाउन कर देते हैं, जहां नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाते हैं वो इलाके जो हम बंद कर देते हैं। लाहौरी के अंदर कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इलाके जो थे वो बंद कर दिए गए थे जहां तादाद मरीज़ों की बढ़ रही थी, और यही कुछ करना पड़ेगा। जैसे जैसे मरीज़ों की तादाद बढ़ेगी हमें उन इलाकों के अंदर लॉकडाउन करने पड़ेंगे। फिर हमने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन किए थे जहां एक एक घर को बंद कर दिया गया था कि भाई आपके घर के अंदर अगर दो फर्द या तीन फर्द जो हैं वो पॉजिटिव या एक फर्द पॉजिटिव आ गया तो आप घर वाले भी घर के अंदर रहें, ताकि अगर आप एक्सपोज हो गए हैं तो 14 दिन में पता चल जाएगा, एंड इफ यू आर ऑल क्लियर देन यू कैन गो। तो ये मैंने तो उनको रिक्वेस्ट इसलिए की है कि आपने अपने आप को एक्सपोज तो कर लिया, और उस एक्सपोजर का वैसे फ़ायदा भी कोई ना हुआ, जितना शोर था कि ये बड़ा जलसा होना है और ठाठे मारते हुए समुंदर होगा, वो तो आपके सामने कल के हालात आपने देख ही लिए कितने लोग इकट्ठे हुए। लेकिन जितने इकट्ठे हुए उन्होंने कम से कम वबा ज़रूर फैला देनी है, उसको मज़ीद हमारे लिए मुश्किलात पैदा ज़रूर करनी है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को खुद आइसोलेट, क्योंकि होम आइसोलेशन का आपको पता है नया जो तरीका, वो हम होम आइसोलेशन के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप कि अगर आप गए हैं तो आप घर में रहिए और अपने घर वालों से भी दूर रहे, कमरे में अलहदा रहे, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपका एक्सपोजर हो चुका है तो ये ना हो कि आप बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर दें। जी जी ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये बात तो ठीक है, लेकिन लाहौरियों ने तो आपकी बात मानी है अब की बार, क्योंकि ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लाहौरी नून लीग के जो कारकुन हैं वो कम आए हैं नस्बतन जो दूसरे इलाकों से लोग आए हैं। मसला ये है कि मेरा ख्याल है बड़ी तकलीफ दे बात होगी आज नून लीग के लिए कि जिस शहर से उन्होंने अपने नून लीग की बहुत सारी सीटें ली हुई हैं उस शहर का आगे से रिस्पांस उन्होंने देख लिया होगा। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट ये कि क्या उनका मौक़िफ सही है। कोई भी बंदा आपके सही मौक़िफ के साथ चल सकता है। मौक़िफ़ क्या है, आप कहते हैं जी हमारे साथ हमारी वोट चोरी हो गई। भाई आप लोगों ने कोई पिटिशन जमा करवाई थी, कोई इतराज़ात किए थे, इमरान खान साहब ने तो जब असेंबली में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोगों का ख्याल है कि कोई हल्के खोलने चाहिए तो हम तैयार हैं, आप बताइए किन किन हल्कों को खोलना है। उनसे ज़्यादा तो हमने पिटिशन जमा करवा रखी थी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि हमारी तो हुकूमत थी नहीं, हुकूमत भी इनकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट भी इनकी थी, तो अगर ज़्यादती हो रही थी तो हम लोगों के साथ ज़्यादती हो रही थी, इनके साथ थोड़ी ज़्यादती हो रही थी। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, वो एक बयानिया इनका कि जी हमारी वोट हुई और वोट को इज्जत दो। भाई वोट को इज्जत देने वाली बात होती तो जो मेरे साथ इन्होंने किया था 2017 के इलेक्शन में आपको शायद याद हो, कौन सी गली में फिर के और कितना रोना धोना मैंने डाला था कि 2 अरब रुपए ये खर्च कर रहे हैं यहाँ और सामने खर्च कर रहे हैं, खुदारा कोई तो उनसे हिसाब ले ये कैसे कर रहे हैं। तब वोट की इज्जत का किसी को ख्याल नहीं था। दूसरी बात है, जहाँ तक महंगाई वगैरह का ताल्लुक है, लोग समझते हैं और जानते हैं कि हालात मुल्क के इस लेवल पे किस तरह पहुँचे, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पहुंचे। इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि हालात बेहतर किए जाएं। अब जहां तक सेहत का ताल्लुक है, मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह की बहुत बड़ी हमारे पे मेहरबानी है कि आप देखें कोविड जैसी ऐसी यानी तकलीफ दे बीमारी जिसने पूरी दुनिया को घुटने टेक दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की मेहरबानी से बहुत बेहतर इसको मैनेज किया है। सारी दुनिया ने हमारी मैनेजमेंट की तारीफ की है, सारी दुनिया ने कहा जिस तरह पाकिस्तान ने इस सिचुएशन को कंट्रोल किया है इस तरह हमें भी कंट्रोल करना चाहिए था, जिसमें मईशत भी चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह केसेस की तादाद भी कम, माइक्रो लॉकडाउन्स लॉकडाउन जो स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं उनका हमें बहुत फ़ायदा हुआ और लोग इसको बार बार कोट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये बात बताऊं, लोग समझते हैं इस बात को और जानते हैं, और इसी वजह से शुक्र है खुदा का कि लाहौर के लोगों ने मेरी बात मान ली, मेरे साथ मेरा ख्याल नाराज़गी ख़त्म हो गई और उन्होंने नहीं गए जलसे के अंदर, अकलमंदी की उन्होंने, लेकिन जो यहाँ आए थे वो वबा लेके वापस चले गए। अच्छा मोहतरमा ये बताइए कि आइंदा जो चंद माह है आप COVID-19 के हवाले से कैसे देखते हैं कि हालात मज़ीद अबतर होंगे या यूं ही रहेंगे या बेहतर हो जाएंगे?
इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम आएंगे। आपको भी पता है कि तीसरा मरहला चल रहा है इस वक्त वैक्सीन का, जो ट्रायल चल रही है, और इंशाल्लाह जिस दिन वो मुकम्मल हुई हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी देगा। और जब वो ट्रायल कामयाब होगी, आपको पता है एक बहुत बड़ी रकम जो है हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त मखसूस कर रही है, जो नियरली इट्स अबाउट $250 मिलियन नाउ, जो उन्होंने कहा ख़ास तौर पर वैक्सीन जो है जब आएगी तो हम इंशाल्लाह परचेज़ करके अपने लोगों को लगाएंगे। वजह यह है आरिफ साहब, हम देखें हमारी फोकस जो है वो इंसानों पे है, इंसानों की सेहत पे है, हमारी कौम की सेहत के ऊपर है, इसलिए हम वो हर काम कर रहे हैं जिससे हमारी कौम जो है वो अपनी सेहत की तरफ उनका वो जी जी, उनको सेहत बेहतर मिले। तभी हम वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये वबा पे भी कंट्रोल रहे। मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारा साथ दिया इसी तरह जी जी ठीक चलते रहे हम, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपका सूबाई वजीर सेहत हमारे साथ मौजूद थीं और बता रही थीं। निज़ामी साहब, ये तो तमाम बातें हैं जो सबके सामने हैं, जो पर्दे के सामने हैं, वो जलसा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन ये जो डायलॉग की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, कुछ वज़रा का रवैया भी नरम है, पर्दे के पीछे हकीकतन क्या चल रहा है? और मुझे एक बात ने चौंका है कि बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ के पास जा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं उनकी वालदा का, जहन पे जोर दिया तो ख्याल आया कि शहबाज शरीफ PMLN के सदर भी हैं, तो ये अगर उनसे कोई सियासी मुशावरत कर रही थी और बात कर रही थी तो ये लाहौर के जलसे से पहले होनी चाहिए थी। लेकिन शहबाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी हाल ही में जब उनकी वालदा के इंतकाल के लिए लोग अफसोस करने गए तो वहाँ भी वो अपने इस राय का आधार करते रहे कि ये एजिटेशन की सियासत जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी। अब इस पस मंज़र में ये आखिर ऐसी क्या रोल है जो शहबाज शरीफ साहब अदा कर सकते हैं, और वो रोल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ये मुज़ाकरात के अमल में इनको कोई बीच में फिट किया जाए। और मेरी इतला के मुताबिक अन करीब शहबाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को जो सबूत हैं वो कम अज़ कम किसी हद तक नैब की हद तक या अदरवाइज वो आसान की जाएगी, कि जिस तरह वो इस वक्त मुसलसल पाबंदी सलासल है इसको ख़त्म किया जाए। निज़ामी साहब, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को अन करीब कोई रिलीफ मिलने वाला है। एक और बड़ी अहम बात है जो बिलखसूस शरीफ फैमिली के मुखालिफ हैं, वो ये कहते हैं कि जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा का इंतहाई बयानिया है उससे जान छुड़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने दानिस्ता अपनी ज़मानत की दरख्वास्त भी वापस ली और वो जेल में जाके बैठ गए, क्या ऐसी हकीकत भी है कोई? नहीं, ये हकीकत जो है शहबाज शरीफ साहब को खुद मालूम होना चाहिए कि कब तक वो ये गोरखधंधा खेलते रहेंगे कि जी वो जेल के पीछे छुपेंगे या बाहर चले जाएंगे 6 महीने के लिए लंदन सैर करने के लिए। उन्हें बिलाखर अगर मुल्क में सियासत कर रही है तो उन्हें रोल अदा करना पड़ेगा, और उनके जो मुरब्बी हैं जो काफ़ी हैं भाई दबे, उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं अस्करी की आदत में बहुत से लोगों से, वो कहते हैं कि आप अपना रोल अदा करना है तो आप खुल कर सामने आए, और शायद ये वक्त आ जाए जब कोई सुलह जोई का काम हो। लेकिन इस वक्त मामला कुछ ज़रा इतना सहल नहीं है। मसलन जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर है जी, उससे तो ये पता लगता है कि वो तो इतना है ये हार्ड लाइन लेना चाहते हैं। और ये जो जलसा था इसमें जो एक पैगाम ये भी गया है कि चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो या और मुकर्रीन हो, वो पाकिस्तान में एक जमहूरी अदारों को फ़रोग देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की बजाय एक सिविलियन डोमिनेटेड स्टेट बनाना चाहते हैं, और यही असल जो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना इस वक्त ये ऑपोजिशन के अक्सरियत का, वो यही है जिसपे ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो भी पेश है। मियां नवाज शरीफ तो खैर अब है ही खुल के आ गए हुए हैं, मरियम का भी ये हाल है। तो शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन के बयानिए के
बरखिलाफ चल रहा जी। अच्छा निज़ामी साहब, ये जो आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, यहाँ तो वो हमारे यहाँ तो वही मिसाल है, यहाँ होना ना होना ऐन होना है। तो ये जो पहले भी जब एतज़ाज़ अहसन साहब ने कहा था, शहबाज शरीफ साहब जब गिरफ़्तार भी हुए थे, कि ये वहाँ रह के बेहतर मूव बना सकते हैं एंड देन वो उसको पास ऑन कर सकते हैं अपने भाई को, अब अगर कोई ऐसे मामला शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, ये सिर्फ उनकी हद तक होगा या उनके जो भाई हैं कोई मशरूत होगा कि वो अपने बयानिए में कुछ नरमी कर लें, मरियम साहिबा भी किसी हद तक जो है वो नरम हो जाएं, कंडीशनल होगा या सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए होगा ये? नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब को डिलीवर करना पड़ेगा और ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है इन हालात पे डिलीवर करना, क्योंकि अमली तौर पे मुस्लिम लीग में क़यादत का की तब्दीली हो चुकी है। अब इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ जो है वो PMLN की सबरा है, मियाँ नवाज शरीफ बाहर है, उनकी सेहत भी जो है वो ख़राब है, लेकिन उनकी जो हार्ड लाइन है वो बड़ी डोमिनेंट है पार्टी के ऊपर। तो इस सूरत हाल में PMLN लेफ्ट की पॉलिटिक्स कह लें या रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स कह लें या एजिटेशन की पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। इसी तरीके से बलावल की लाइन जो है वो भी कोई ऐसी नीम दरूर हुई है, अब उन्होंने मुज़ाकरात का रास्ता ही बंद कर दिया। तो इस सूरत हाल में ये अपोजिशन की जो एजिटेशन भी साथ अगर चलती है तो खान साहब को मुज़ाकरात के रास्ते खोलने चाहिए बजाय इसके और कि वो बिल्कुल ही मैं ना मानूँ की करें बात। और वो लोग जो PMLN में इस लाइन को परसू करना चाहते हैं उनके साथ कोई बैक चैनल खोलना चाहिए। ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। कल की जो मुलाकात होती है शहबाज शरीफ और बिलावल साहब की, उसमें क्या निकलता है, क्या बात सामने आती है, फिर उस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।